एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड का पकौड़ा। इसे बनाने के लिए मैंने कुछ ब्रेड लिया है, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई मिर्ची, बारीक कटी हुई टमाटर, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, चावल का आटा, बेसन और ऑयल। आइए बनाना हम इसे शुरू करते हैं। हम ब्रेड को जार में तोड़ के डाल लेंगे, इस तरह सारे ब्रेड को तोड़ के डाल लेंगे। देखिए मैंने इसे जार में डाल लिया है, अब इसे हम पीस लेंगे। देखिए मैंने इसे पीस लिया है, अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई मिर्ची, बारीक कटी हुई टमाटर, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता, अदरक और लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक और बेसन और चावल का आटा। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब तब तक हम ऑयल गर्म कर लेते हैं। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। देखिए अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे, तब तक हम उसे बना लेंगे। इस तरह से हम सभी को बना लेंगे। इसी तरह हम सभी को बना लेंगे। देखिए मैंने सारे को बना लिया है, अब देखते हैं मेरा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। देखिए अब ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम सारे को डाल देंगे और हम फ्लेम को फुल ही रखेंगे। देखिए मैंने सारे को डाल दिया है, अब हम इसे एक साइड ब्राउन होने देंगे। अब हम सारे को पलट लेंगे। देखिए एक साइड ब्राउन हो चुका है, अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे ताकि यह अच्छे से पके। देखिए दोनों साइड से ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए मैंने सारे को निकाल लिया है, मैंने प्लेट में टिश्यू पेपर लिया है ताकि इसका ऑयल अच्छे से सूख ले। देखिए ब्रेड का पकौड़ा बनके अब रेडी है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।